भाई ये स्क्वायर आप चेक करें और अबे ये नीचे वाला नहीं ऊपर देखो मीना आपने राउंड राउंड को स्क्वायर समझते। अबे इनका ठेकेदार कौन होगा सोचो, ठेका किसने लिया होगा, बैठ गया सब पक्का काम करके दिया ना, पान वान नहीं थूक देना यहाँ पिलरों पे, गुटका थूका हुआ है या फिर वाइप चेक करें यार आप। अबे वाइफ नहीं वाइप कह रहा हूँ, ढक्कनों अच्छा से देखो, रुक गया खुद ही रुक गया, मैंने बोला भी नहीं रुक गया। अबे ये इज्जत जिस दिन फील कर ली ना भाई पाकिस्तानियों, यार आप खुशियां देखें बस, खुशबाश हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो उसको टेंशन ही नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अरे खल्ली वल्ली डाल। हाँ भाई क्या हाल है भैया, वेलकम टू ब्रसल्स जो कि बेल्जियम का शहर है, बहुत ही खूबसूरत है। आज मेरा यहाँ चौथा दिन है और मैं बेगम के साथ और लिल के साथ यहाँ हूँ, और मैंने सोचा था कि यार फैमिली टाइम, कोई स्टोरी स्टोरी नहीं, ना ही कोई वीडियो शीडियो बनाऊंगा, लेकिन यार अंदर का जो कीड़ा है ना वो नहीं मर सकता, तो अभी आज बिल्कुल लास्ट डे हमारा। और बस अभी हम वो कलेक्टेबल ख़रीद रहे थे, फ्रिज मैग्नेट ये फलाना ढिमकाना, तो मैंने फिर बेगम को रिक्वेस्ट की, मैं ला यार मुझे कीड़ा हो रहा है, वो रुक नहीं रहा, तो उससे बोला ठीक है तुम बना लो वीडियो, तो वो निकल गए आगे, तो मैला थोड़ी वॉकिंग ट्रेल्स यहाँ से हो जाए, थोड़ा आपको यहाँ का भी दिखा दे। अब तो खैर जितने शहर पीछे से आप देखते आ रहे हैं लगभग वही वाइब है भाई ये। अच्छा ये बिल्कुल मेन स्क्वायर है, अभी तो खैर फ्राइडे है, शाम के 7:15 बज रहे हैं और इसलिए थोड़ी हलचल है, लेकिन यहाँ रोज़ हलचल है, ये सिर्फ वीकेंड की नहीं, ये सारे टूरिस्ट हैं, तो कल परसों जब भी हम यहाँ आए इतना ही रश पाया यहाँ पे। खैर तो आपको ज़रा मैं एक मज़े की जगह दिखाता हूँ, ये गली के अंदर ही है और सुपर ड्राई, मेरे बारे में भी लोग कहते हैं आप बड़े सुपर ड्राई हैं, लेकिन हल्ली वल्ली में कहने वाले कहते रहे। खैर यहाँ मज़ा बड़ा आया, यहाँ पे एक और शहर है ब्रूज, वहाँ मैंने जाना था, लेकिन लिल के साथ ट्रैवल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग क्योंकि हमारा पहला फैमिली ट्रैवल है, पहला वेकेशन है साथ, क्योंकि लिल तो कोविड बेबी है। पाकिस्तान तो खैर वो आया 2 बार अपनी अम्मी के साथ, लेकिन ये कि अभी ले लेके फिरना ना, उसको हर जगह कोको मेलन चाहिए होता है, उतरना है चढ़ना है चलना है नहीं चलना है, भाई 10 चीज़ें, तो मैं यार अभी थोड़ा टाइट हो जाएगा ब्रूज जाना, हालांकि ट्रेन 1.25 घंटे की ही थी यहाँ से। खैर भाई ये स्क्वायर आप चेक करें और अबे ये नीचे वाला नहीं ऊपर देखो सालो, मीना आपने राउंड राउंड को स्क्वायर समझते हो, चलो भाई मजाक मस्ती नहीं। ये यार यहाँ का मेन कैथीड्रल है, अब मैं चूँकि यहाँ पे अन्नेवा यानी कि खुद ही घूम रहा हूँ, मैंने कोई टूर शोर बुक नहीं किया, हालांकि आपको पता है मैं हमेशा करता हूँ, इट्स बेटर टू लर्न समथिंग, लेकिन यार मैंने इस बार लाइट सीन रखा, वो ये कि यार एमलेस वॉकिंग ज़्यादा रखी मैंने, तो मैं एमलेस ही चला, तो मुझे पता नहीं अब किस बिल्डिंग का मकसद क्या है, कैथीड्रल तो ऑब्वियसली वी ऑल अंडरस्टैंड। अब ये देखें 1698 लिखा हुआ ऊपर, अबे 1698 में हम कहाँ थे पता ही नहीं था भाई, ठीक है ना, ये तब की इन्होंने प्रिजर्व की हुई है थोड़ा, ये आप ये इनकी प्रिजर्वेशन के आप सीन चेक करें। अब ये छोड़ें बिल्डिंग कौन थी क्या था वो देखें, मैंने बोला 7:45 बज रहे हैं, घड़ी भी एक्यूरेट टाइम दे रही है, तो ये इनका मेन स्क्वायर है। पहले दिन जब मैं आया था यहाँ पे किसी कॉन्सर्ट का सामान था जो कि उठा रहे थे, यानी भाई ये अपनी इस तरह की बिल्डिंगों के सामने कॉन्सर्ट करते हैं, वाइब ही अलग होती है। जैसे कि अगर आप EDM वगैरह के शौकीन हैं तो आप देखेंगे जी पिरामिड्स के सामने EDM, अबे भाई वाइब ही अलग, पीछे 5000 साल पुराना पिरामिड और सामने गोलियां टाप के डिचुम डिचुम, अबे भाई खल्ली वल्ली वाइब ही अलग होती है, चेक करो यार। अबे डिटेलिंग देखो ये एक एक इसमें जाली में, अभी और मैं दिखाता हूँ डिटेलिंग, ये पता नहीं गोल्ड का काम है क्या है भाई, जो लोग यहाँ रहते हैं आते जाते रहते हैं जिन्होंने लंबी पढ़ी है पढ़ाइयाँ तो वो बताएं ज़रा, ये ऊपर कोई वॉर सीन डिपिक्ट हुआ हुआ है, वैसे बेल्जियन एम्पायर भी जो है, एम्पायर तो खैर नहीं थी बट किंगडम जो है बहुत पुरानी है और इनका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहा है यूरोपियन हिस्ट्री में, राइट, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 की तो सुनते ही हैं, लेकिन उससे पहले भी इनका बड़ा काम रहा है और बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी पोजिशनिंग रही है, काम से ही पता चल रहा है भाई बड़े काम किए होंगे इन्होंने, और खाली चॉकलेट ही नहीं भाई, यहाँ और भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें चल रही हैं, डायमंड का सारा काम एंटवर्प में होता है, डायमंड की जितनी भी कटिंग होती है या तो एंटवर्प में होती है या वो इंडिया में होती है, इंडिया में कहाँ होती है ज़रा बताएं, गुजरात में होती है कहाँ होती है, लाइक द बेस्ट कटिंग जिसको कहते हैं ना। अब इनका ठेकेदार कौन होगा सोचो, ठेका किसने लिया होगा, बैठ गया सब पक्का काम करके दिया ना, बिल्डिंग में आप खड़े हैं ना देखते ही रहो,
उसे मैंने देखा था ये वाली खिड़की में, ये वाली आंटी खड़ी सिगरेट पी रही थी। मतलब क्या वाइब आ रही होगी ना वहाँ से, हिस्ट्री में तारीख पे खड़ी होके सुट्टा मार रही। ओहो अच्छा, ये बिल्डिंग भी जैसा कि आप देख रहे हैं 1697, अबे एक साल में ये और फिर वो बना दिया, क्या बात है। एक साल में तो नहीं, ज़्यादा बनी होगी, कैथीड्रल्स तो 50-50 साल में बनते थे भाई। इनफैक्ट जो कि सागराडा डी फेमिलिया जो बार्सिलोना में है, अबे 150 साल से बनी रहा है, वो बन के ही नहीं दे रहा यार। वहाँ भी व्लॉगिंग करनी थी लेकिन वो यार फ़ोन में मज़ा नहीं आता यार, अभी भी देखो फ़ोन पे लगा हुआ हूँ, जो बात प्रॉपर टीम के साथ आती ना। खैर ऊपर अच्छा आप ये देखें, फुल हिस्ट्री चल रही, नीचे भाई फुल कैफे बार रेस्टोरेंट वगैरह। मतलब इनको भी बोला होगा बिल्डिंग की सेंटिटी नहीं ख़राब करनी, को पान वान नहीं थूक देना यहाँ पिलरों पे, गुटखा थूका हुआ है या फिर जो है, देखो स्टारबक्स को दे दी दुकान, इनको भी पता है वो ख्याल रखेंगे और इनको भी पता है हमें ख्याल रखना है। ये नहीं कि जी हाजी नजीब की कलेजियाँ बिक रही है, कड़ाकट करके धुआं मार मार के काला कर दिया पूरा मॉन्यूमेंट। अबे भाई ख्याल रखना पड़ता है, ये इसी के तो पैसे हैं, इसी का कमा रहे हैं। देखो 500 साल पहले बना ली, आज तक कमा रहे हैं। दिस वॉज लाइक द मोस्ट, यहाँ ये वाला व्यू देख ले आप, क्या व्यू है यार, वाइब चेक करें बस आप, क्या कॉन्फिडेंस इनकी चाल में। खैर इनको छोड़े, मगर देखें यार ब्यूटीफुल यार, लाहौर को ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम, होना चाहिए। अब जैसे देखें टूर ग्रुप आया हुआ है, ये इनको समझा रहे होंगे, अबे एक एक पिलर पे कहानी होती है भाई। मैं बेगम के साथ था रोम में, रोम में रोमिंग कर रहे थे, खैर हमने टूर लिया उसका कोलोसियम का। अब कोलोसियम वैसे देखने गए तो हाँ ठीक है भाई, स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम है, 4000 साल पुराना। अबे भाई एक एक पिलर की अलग कहानी थी, इस पिलर को बनाने में का मकसद ये था, ये इतना चौड़ा इसलिए यहाँ से एरिस्टोक्रेट्स जाते थे, ये वाला। अबे भाई बड़ी लंबी लंबी कहानी थी। खैर यार मैं आपको अपनी फेवरेट शॉप दिखाता हूँ, भूलता नहीं हूँ मैं, बिल्ली की तरह सीधा आता हूँ। इस गली में एक रिकॉर्ड लेबल की दुकान है, रिकॉर्ड लेबल नहीं सॉरी यार, ये जो क्या बोलते हैं पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं ना, क्या उसके पास क्लासिक रॉक की कलेक्शन थी। बाय द वे यार इस बार में मैं लुट गया था यार। इधर देखो, इधर इन्होंने लिखा था ये परसों 80s का ये ट्रिब्यूट टू दी 80s, और मैं आया तो वो वियतनामीज बंदी थी, उसकी निकल ही नहीं रही थी आवाज़ यार, वो बैलेट गाने की कोशिश कर रही थी 80s वाले। अच्छा यहाँ जो है ना फ्रेंच बोली जाती है, मगर थोड़ी अजीब वाली, ज़ाहिर है हर जगह का अलग डायलेक्ट होता है। तो वाइब चेक करें यार आप, अबे वाइफ नहीं वाइब कह रहा हूँ, ढक्कनो। तो भाई मैं 4 दिन इन गलियों में ऐसे ही घूमूँगा, देखो रॉकस्टार निकला अंदर से, ये दुकान है भाई। मेरी बेगम ने इधर ही आना था कुछ लेने, नज़र नहीं आई मुझे अभी तो। खैर चेक करें भाई, ये तो खैर जर्मन वगैरह रखे हुए, ग्रीस ब्रूस स्प्रिंगस्टीन बॉर्न द USA, मैडोना, प्रिटेंडर्स, सुने आप लोगों ने, ज़बरदस्त ब्रांड है। अंदर कलेक्शन अच्छी लेकिन दुकान छोटी है, तो यार मैं नहीं चाहता वो बोले कि यार वीडियो शेडियो ना बनाओ। हालांकि कुछ कहते नहीं है, बस हम असल में वो पाकिस्तानी है ना, हम डरे हुए आते हैं वहाँ से कि यार मना कर देंगे, लोग मना नहीं करते, अच्छे लोग होते हैं यार। अभी मैं पार्क में था तो वहाँ पे दो लड़कियाँ अलग बैठी हुई थी, घास में बैठ के बातें कर रही हैं, दो अलग थी, एक हिजाबी नॉन हिजाबी थी, दोनों वेस्टर्न थी। एक लड़की उल्टा लेट के घास पे किताब पढ़ रही थी, सीधे हाथ पे देखा तो ये अपनी नॉर्थ अफ्रीकन बहने नहीं, अल्जीरियन मोरक्कन, फुल नकाब वकाब में वो अपना चिल करती हूँ। मैं बैठ के ही सोचा था, मैंने यार पाकिस्तान में ना बुरके वाली खुश है ना जीन्स वाली खुश है, दोनों ऐसे नहीं बैठ सकती फ्रेरॉल में, फ़ौरन काटने को आ जाएंगे सारी आवाम। है ले यार औरत के लिए तो, मैं भाई कहता हूँ जितनी भी देख रही है ना आप लोग, भाई प्रिजन में रहते हो आप लोग, खुदा की कसम निकले आप वहाँ से और यहाँ इन्जॉय करें लाइफ। इन्जॉय क्या है, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि यहाँ के नंगे हो जाओ, शराब पी के पड़े हो, ये थोड़ी अबे बेसिक लिबर्टीज। जैसे मैं देखो फ्रीली घूम रहा हूँ यहाँ पे, कोई उंगली नहीं कर रहा, कोई टेंशन नहीं है, मोबाइल छिन जाएगा, ये छिन जाएगा, अभी पान की पीक आएगी ऊपर से तो पानी फेंक देगा, कोई कूड़ा आ रहा है, कोई हॉर्न बजाता हुआ जाएगा। अच्छा बाय द वे आप ये चीज़ नोट करें, मैं जितनी देर से चल रहा हूँ सारा कारलेस जोन है ये, ठीक है ना, गाड़ी नहीं आती यहाँ, ये स्कूटी दिख जाएगी आपको, ठीक है, पूरा कार्डलेस जोन है। और ये वहाँ से यहाँ तक तो उससे भी पहले से शुरू हुआ था, मैं तो बहुत सेंटर से शुरू हुआ था, ये जा रहा है ऑल द वे जहाँ तक तहत देने का, और ये पूरा स्क्वायर यहाँ तक, और फिर ये पूरा ये वो बिल्डिंग देख रहे हैं बिल्कुल आखिर में वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत स्टारबक्स है, स्पेसशिप टाइप का, आई थिंक इट्स द मोस्ट प्रीटीस्ट
स्टारबक्स आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा जब वापसी के लिए देख लूंगा। नहीं वन ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे, ट्यूजडे से मैं आया हूँ और ट्यूजडे से यहाँ यही वाइब थी। सो इट्स नॉट लाइक कि छुट्टी का दिन है तो रश है, ये टूरिस्ट है। या बल्कि ऑल्सो वन मोर थिंग, यूरोप में तो अब 4 डे अ वीक शुरू हो गया है, वर्क वीक 4 डेज, 3 दिन का वीकेंड। अबे फुल चलेंगे भाई, तो यहाँ बैठे यार, यहाँ पे रात को जैज का बैंड आता है, क्या ज़बरदस्त बजाते हैं, लाइव बजा रहे होते हैं। बिल्डिंग देखिए, ये बाय द वे मैरियट है, इट्स अ मैरियट, हम मैरियट बोलते हैं ना, इट्स अ मैरियट। मुझे भी यार 6 महीने पहले पता चला था, वो माइकल डगलस की वो सीरीज है ना नेटफ्लिक्स पे, यार क्या नाम है उसका, उसमें वो बोलता है मैरियट। ये इनकी कोई पुरानी बिल्डिंग है, रेनोवेशन हो रही है। यार आप खुशियाँ देखें बस, खुशबाश हैं लोग, इन्जॉय कर रहे हैं। ये देखो उसको टेंशन ही नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अरे खल्ली वल्ली डाल, बल्कि और कैमरा करूँगा और डांस कर लेगी। अच्छा यहाँ पे ये रोज आते हैं भाई, ये अबे जिस तरह ये जमीन पे लौट रहे, घर में पहुंचा तो बड़ा टाइट लगा तो जोक मार दिया हमने। खुशबाश है भाई, इंजॉय करते हैं लाइफ को, वो सबकी उंगली अपने अंदर है, कौन क्या कर रहा है, क्या पहना हुआ है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कोई किसी को टेंशन नहीं है, हमारा सिर्फ मकसद ये है। अच्छा एक और मेरी लर्निंग है, मैं सोचा था सदर को हम ट्रैफिक फ्री जोन क्यों नहीं बना सकते, हम नहीं बना सकते, हमारा सबसे बड़ा मसला आबादी का, यहाँ आबादी इतनी है नहीं। सदर को अगर इस तरह बनाया हो ना, बाइकें बाइकें और लोगों का रेला, यहाँ से आ रहा हो वहाँ से जा रहा हो, 2.5 करोड़ का शहर है, ये चंद लाख हैं, तो शहर जो है ना ऐसे प्लान होते हैं, हमने ना भर दिए सारे लाला के, अब हमसे मैनेज नहीं हो रहा। खैर छोड़ो यार अभी कंपैरिजन, यहाँ मैं रोज़ शीशा पीता हूँ, अभी ऑर्डर कर दिया है, जितनी देर में बना रहा है मैं ज़रा ये वाली गली आपको चेक करा दूँ। ये 1881 में बनी है, ये हमारी होती मार्केट है कराची में, सेम लुक है, और वो भी 1927 की है, बिल्कुल सेम लुक है, ये तो अंदर इन्होंने कन्वर्ट ही कर दिया है। जगह जगह दीवारों पर आपको आर्ट मिलेगा, आर्ट पहचान होती है कि यहाँ के लोग जिंदा दिल हैं, कदर करते हैं आर्ट की। और भाई यही कैफे कल्चर है जो मैं कहता हूँ, एक तो हमारे वो नहीं पे प्लास्टिक की कुर्सी पे चाय पी ली, और एक चाय पे पूरी शाम तड़खा दी, होटल वाला अलग परेशान हो रहा है, DHA वाले अलग बंद करा रहे हैं, ये देखो व्यू चेक करो यार, ठीक है ना प्रॉपर भाई। यहाँ पे बैठ के लोग दिन भर की थकन उतारते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज बातें करते हैं। यहाँ पे मैंने चीज़ नोटिस की है कि जापानीज मांगा के स्टोर्स बहुत हैं यहाँ पे, अगर मुझे याद पड़ता है तो इसी गली में थे, तो वो एक तो बोबा टी आपको बहुत मिलेगी यहाँ पे, जापानीज रेस्टोरेंट बहुत थे। इतनी सड़क पे बस आ रही है पता ही नहीं चल रहा, धुआं ही नहीं मार रही, तो डीजल का धुआं, अब देखो ये बस यहाँ से गुजरेगी, ये खाना खा रहा है, तो कितनी साफ बस होगी कि ये आराम से बैठ के ये खाना भी खा रहे हैं, शैंपेन भी पी रहे हैं, हैं सोचे सोचे इन चीज़ों को सोचा करें। ये देखो कोई धुआं नहीं मारा, से बड़बड़ 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 करके काला बैंड गया, डीजल निकल गई बस, और किसी सड़क से बस भी जा रही है, स्कूटी भी जा रही है, साइकिल भी जा रही है, कोई फंस ही नहीं रहा। ये देखो ना जापानीमेशन बंद हो गई दुकान, सही जगह लाया था, एक ये और एक ये, इससे पटिसरी बट ये वाली। अच्छा ऐसे देखो रुक गया, खुद ही रुक गया, मैंने बोला भी नहीं रुक गया। अबे ये इज्जत जिस दिन फील कर ली ना भाई, पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों जो जो सुन रहा है, जिस दिन ये इज्जत फील कर ली ना कि गाड़ी रुकती है और इज्जत से बोलते हैं जा भाई, अबे दिमाग घूम जाएगा। देखो पुरानी बिल्डिंगों को कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया, अब टर्किश बहुत हैं इधर, इनफैक्ट जहाँ मैं ठहरा हूँ आई एम स्टेइंग एट होटल नाओ NHOW, सेंटर में है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन वही हमेशा वाली जो मैं बात कहता हूँ, सेंटर के करीब रह लो, नीचे उतरो तो ये सारी वाइब होती है, दूर दूर से ट्रेन लेके नहीं आनी पड़ती। तो वहाँ पे पूरा टर्किश मोहल्ला है बाय द वे, वहाँ पे सारे खाने नाश्ते एवरीथिंग इज देयर। सो यहाँ पे वो हलाल वाला इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, वॉर्सो में अबे है ही नहीं, नाम सबके कबाब है, सब कबाब बेच रहे, नाम सबने कबाब रखा हुआ है दुकान का। सो मुझे बाद में पता चला, लाइक माई वाइफ टोल्ड मी कि इंग्लैंड में तो पोलिश बाकायदा कैंपेन करते हैं नॉन हलाल की, के भाई बंद करो हलाल, वो तो इतना नफरत करते हैं, तो वो अपने मुल्क में हलाल कैसे बेचेंगे। अच्छा देखो यहाँ मेट्रो भी आती है, ये जितनी ऊपर कार्रवाई चल रही है नीचे ट्रेनें चल रही हैं, पता चल रहा है
कोई गड़गड़ गड़ कोई दबड़ दबड़ कोई फील हो रहा है। ये नीचे ट्रेन चल रही है, ये देखो ना सब आ रहे हैं। अबे भाई ये काम ना भैन के यहाँ 50-60 साल पहले करने के थे, ठीक है ना, जब आबादी कम थी, इनकी तो अभी भी कम है, उस वक्त करने के थे। प्रोजेक्ट करते हैं प्लानर्स जो होते हैं सिटी प्लानर्स, प्रोजेक्ट करने के भाई ये प्रॉब्लम होगी आगे जा पे, किसी ने प्लान ही नहीं किया। अब हो गए 2.5 करोड़ एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ बंदा। हाँ जी, ये मांगा स्टोर जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे काफ़ी हैं, ये उनमें से एक मुझे मिला है, काफ़ी हलचल है इनकी यहाँ पे। हाँ जी, दोबारा आ गया स्क्वायर, करतब चेक करें आप। वाह, अच्छा यार यही स्क्वायर में ये देखे शादी हो रही है, शादी की दावत है, वो फोटोग्राफर है भाई, इधर इधर कंधे पे हाथ रख ले कंधे पे, ये चल रहा है, देखो आई हुई है भाई सहेलियां मेहंदी वाली, हम दूल्हा वालों को वेलकम करते हैं। अच्छा भाई, बेल्जियम और बेल्जियन चॉकलेट ना ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ के वॉफल्स बहुत मशहूर हैं, चॉकलेट फाउंटेन वाला लगा हुआ है, ये सारे फ्लेवर्स हैं, मैं लोटस बिस्कॉफ वाला ट्राई करने जा रहा हूँ, वॉफल वो बाजी बनाएंगी, इस तरह की बहुत सी शॉप्स हैं, ये घर के लिए भी आप ले जा सकते हैं। आई लव मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट खवातीन ज़्यादा खाती हैं। ये भाई ऊपर से आ रहा है, ये गुलाब जामुन इनके क्रीमी ब्रुले। हाँ जी, आपको जो बताया था फ्यूचरिस्टिक स्टारबक्स दिखाऊंगा, खैर बेबी ड्यूटीज और वो बहुत डाउन हिल था, तो वहाँ से ऊपर आना जो है ना बेबी के साथ मसला था, खैर वो बी रोल में आप ये देख लें, मैंने कल ही रिकॉर्डिंग कर ली थी। ये सदर वाली बिल्डिंग है, चेक करें आप है कि नहीं, बोर्ड को सॉरी कह रहा हूँ क्योंकि फ्राइडे है, यहाँ दुकानें जल्दी बंद हो जाती है, पूरे यूरोप के ये 7 बजे 8 तो बहुत ज़्यादा है बंद हो जाता सब, सन्नाटे छाए हुए हैं, सड़क पे कोई नहीं है, और सड़क पे होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नीचे मेट्रो चल रही है, और पीने का दिन होता है जब, तो गाड़ी वैसी नहीं चलाते तो मेट्रो काम आ जाती है। तो ये था भाई ब्रसल्स, और वो जो सामने आप डोम देख रहे हैं वो निशानी है, वहाँ मेरा होटल, मतलब वो तो आगे है उससे पहले मेरा होटल है। वैसे यार इतनी मज़े की हवा जो है ना, मैंने आई हैवंट फेल्ट इन अ लॉन्गेस्ट टाइम, इट्स लाइक चिली बट नॉट चिली, समझ रहे हैं आप, मज़ा आ रहा है हवा में, अच्छा वाला है, वो पाक फैन की नहीं जब हवा आती, जब आप फुल गर्मी वाले दिन से आए फिर जो पाक फैन लगा के बैठे हैं आप, वो वाली वाइब है। चलेंगे हम वहाँ चले जाते हैं, अभी होटल जाने की कोई लोड नहीं है, टाइम क्या हो रहा है, 9 बज रहे हैं, हमें पैकिंग करनी है सुबह, हमारी ट्रेन है, ट्रेन लेके पैरिस जाना है, पैरिस द वर्स्ट सिटी आई हैव एवर बीन टू, असल में हमें लिस्बन की फ़्लाइट वहाँ से पकड़नी है। अबे हर चीज़ घंटे घंटे की मुसाफत पे यार, ट्रेन है ऐसी शड़ा शपाटर ट्रेन है, पता ही नहीं चलता, मैं लंदन से 3 घंटे में पहुँचा यहाँ, पता ही नहीं चला। ये कि इन्होंने व्यू पॉइंट बनाया हुआ है बड़ा मज़े का, नीचे से खैर वो शहर ही दिखता है, लेकिन यहाँ पे वो स्केटर बॉय आए हुए होते हैं दिन में, ये स्क्वायर है, यहाँ पे लोग अपनी ड्रिंक्स विंक्स लेके बैठ जाते हैं, चिलिंग्स हैं यार, सुकून है, कोई उंगली नहीं दे रहा, वो अपने गाने लगा के बैठा हुआ है, वो अपने बच्चे के साथ बैठा हुआ है, वो दोस्त भी यार बैठे हुए हैं ऊपर, वो चचा मियाँ खड़े हुए हैं। ये न्यू ब्रसल्स है, उधर ओल्ड ब्रसल्स है, नए और पुराने का हसीन इम्तिजाज। ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है, देखने से ही लग रही है सदर भरा पड़ा ऐसी बिल्डिंगों से, बंस रोड वगैरह, ये सारा न्यू ब्रसल्स है। ज़रा यहाँ से सिटी का पैनोरामिक व्यू लेते हैं। अबे कटी पहाड़ी पे नहीं बना सकते क्या हम पैनोरामिक व्यू कराची का, पूरा नाजामाबाद देखो वहाँ से गोली मार 3 अट्टी, अबे बनाने को सब बना सकते हैं, लेकिन यार ऑनेस्टली उस्ताद आवाम बड़ी मेली है हमारी, जब वो खोला था ना वो सी व्यू के पास, वो चाइना पोर्ट था, वो क्या वो जो लाइमस्टोन के पत्थर रखे हुए थे, गुटका थूक थूक के लाल कर दिया था, बंद ही कर दिया, शुक्र है बंद कर दिया, वल्ली वल्ली यार आवाम मेली है भाई। वहाँ था मैं टाउन स्क्वायर, अबे वहाँ से पैदल यहाँ तक आ गया मैं, व्हाट द हेल, और रोज़ किया है मैंने ये, उस साथ पैदल जितना चला लो, बहुत एनर्जी है, पावर बैंक है मेरे अंदर, लश पश वाइब। अच्छा ये क्या कह रहे हैं भाई, ये इनकी कोई हिस्ट्री विस्ट्री सब फ्रेंच में लिखा हुआ है, ग्रफिटी की हुई है मेली। अरे राबिया थिविया, अरे राबिया क्या हरकतें कर रही हो थिविया के साथ, दिल दिल बना रही हो, दिल दिल पाकिस्तान करने का टाइम है, ये सीन है भाई। तो भाई यहीं पे साइन ऑफ करते हैं, दिस वाज ब्रसल्स, आई होप यू गाइस एंजॉयड,
वॉकिंग टेल्स देखने का शुक्रिया, और इन शहरों को देखें, इनसे कुछ सीखें, और कोशिश करें हमारे शहर भी ऐसे बने, इनके ऊपर बातचीत करें, डिमांड करें चीज़ों की। ये भी इंसान के बच्चे ही हैं, ये कोई ऊपर से आसमान से नहीं है, ठीक है ना। मांगा तो मिला, मांगना शुरू करें, इंशाल्लाह हमें भी मिलेगा। खुदा हाफिज़।